2 दिन पहले इस इतनी बड़ी सी दुकान में बारिश का पानी अंदर घुस गया बेसमेंट में। बेसमेंट इलीगल था, गैर कानूनी तरीके से उसमें एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी। उसके बाद बच्चे उसमें फंस गए, नहीं निकल पाए, और 3 बच्चे 21 साल 25 साल और 28 साल के वो यही बेसमेंट में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जहां आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे वहीं उसी जगह उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो आपको अलग अलग वीडियोस में ज्ञान देते रहते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज्ञान देते हैं कैसे आईएएस बनना चाहिए, जिंदगी की चुनौतियों को कैसे सामना करना चाहिए। 2 दिन से सारे के सारे लोग, सारे आईएएस एकेडमी वाले, सारे सपने बेचने वाले सब गायब हैं। मैं इस पूरे इलाके में घूमा, सब जगह ताला लगा हुआ है, लाइब्रेरीज बंद हो चुकी हैं, पीजी वाले भाग गए हैं, कोचिंग सेंटर वाले भाग चुके हैं। अगला 1 घंटा आप मुझे अपना दीजिएगा। आपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों पर वेब सीरीज तो बहुत सारी देखी होंगी, फिल्में बहुत सारी देखी होंगी जिनसे उनके प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने बड़ा पैसा कमाया। आज मैंने इस पूरे इलाके का दौरा किया और मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूं कि जिस जगह को शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था वो जगह शिक्षा का सबसे बड़ा अवैध अड्डा बन चुकी है। यहां पर शिक्षा की बोली लगती है, यहां पर शिक्षा को बेचा जा रहा है, हर जगह बेईमानी है। कोचिंग सेंटर से बेईमानी शुरू होती है, बच्चे जहां खाना खाते हैं वहां बेईमानी होती है, पीजी वाला बेईमानी करता है, बिजली पानी का जो बिल देता है वो बेईमानी करता है, हर जगह बेईमानी ही बेईमानी है। और मैंने आपको बताया, अभी जब आप आगे मेरे साथ चलेंगे, अगर 1 घंटे के अंदर हमने इतनी सारी चीजें खोज कर निकाल ली तो यहाँ की पुलिस आज तक क्यों नहीं कर पाई, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का MCD, यहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सबको सब कुछ पता है लेकिन कोई आपके सामने नहीं लाना चाहता। उस सपने तक पहुंचने की जो गली जाती है वो गली कितनी गंदी है, कितनी टूटी फूटी है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, उसमें कितनी गंदगी है, वो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आप ये समझ लीजिए कि यही वो गली है जहां से सारे बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं। आप देख लीजिए, और जितने पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं इस गली में, इनका रास्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनका जीवन पथ है, यही इनका अग्निपथ है, और ये घिरा हुआ है इस तरह के बिजली के खतरनाक तारों से, ये घिरा हुआ है ऐसे पीजी से जिनमें शायद जानवर भी रहना पसंद ना करें, ये इनका जीवन है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ का जो डीलर होता है वो पैसा लूटता है, उसके बाद खाना पीना जो देता है वो पैसा लूटता है, पीजी जो दे रहा है वो पैसा लूटता है, बिजली का पैसा लूटा जाता है, पानी का पैसा लूटा जाता है, उसके बाद कोचिंग सेंटर वाले लूटते हैं। और इस तरह से एक छात्र 1 साल में अपने परिवार से, अपने घर से लाखों रुपया ले लेता है और ऐसी स्थिति में रहता है जैसे वो किसी तबेले में रहता हो। आप शायद अपने बच्चों को यहां नहीं भेजना चाहेंगे आज जब ये सारी असलियत आप देखेंगे। और इसी जगह पर 3 दिन पहले 3 छात्र, उनकी मृत्यु हो गई, एक 21 साल का, एक 25 साल का, एक 28 साल का, तीनों सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और ये जो पूरा लालच का खेल है जिसमें सारे लोग मिले हुए हैं, जो इन छात्रों को असल में पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, पैसा दूध देने वाली गाय समझते हैं, उनके लालच ने इन 3 छात्रों की जान ले ली। बताता हूं कि हमारे देश में UPSC की परीक्षा कैसे क्रैक की जाती है, UPSC की परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो कैसे रहते हैं। आइए चलो, अब जरा पीजी देखिए, ये बच्चियां कैसी स्थिति में रहती हैं और कहां तैयारी करती हैं, आईएएस कैसे बनते हैं देखिए। अरे बाप रे, हाँ आप यहाँ रहती हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पकड़ो आप, देखिए अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ सर टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। टीचर्स बोलते हैं हाथ की दूरी पे मोबाइल रखने की, हाथ की दूरी पे जगह ही नहीं है सर। ये बस इतना क्यूबिकल है, कमरा नहीं है ये। प्लीज बोलिए यार, आप अपने लिए ही आए हैं। छोटा सा एक बिस्तर है जिसमें एक व्यक्ति किसी तरीके से, शायद पूरा भी नहीं आएगा, डर से मारे बोल नहीं रहा, पता है कि निकाल नहीं हो रहा। ये देखिए, ये है,
पढ़ने के लिए सर, मैं आपको डबल सीटर दिखाते हूँ जो सब, और ये है, और छोटा मोटा आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ किताबें, बस ये यही है 10,500 दे रही हूँ। और इसका आप 10,500 रुपए आप इसका 10,500 पे कर रही हूँ सर। अब देखिए ये डबल सीटर है, मतलब इसमें दो लोग रहते हैं, और एक जना 9,000 रुपए देता है यहाँ पर रहने के लिए। एक छोटा सा बिस्तर ये है, जिसमें जैसे मैं आपको कह रहा था मुश्किल से एक जना आ सकता है, और एक यहाँ है। इसमें तो मैं मुझे लगता है कोई और रह भी नहीं सकता। और ये किताबें हैं, बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, और देखिए ये कुछ छोटा मोटा खाने पीने का या जरूरत का सामान, बिना खाने के 10,500 रुपए। ये 3-सीटर है, 3-सीटर मतलब इसमें तीन लोग रहते हैं, इसमें आप तीन बिस्तर देखेंगे, 1, 2, 3। इसका रेंट क्या है? 9,000। तो 27,000 रुपए अगर आप देखें तो 27,000 रुपए इसकी कीमत है। आपका पढ़ाई में मन लग जाता है यहाँ? पढ़ पाते हो? कभी कभी कंजेस्टेड फील होता है तो नहीं होता, बाहर घूम लेती हूँ, और कभी कभी हाँ हो जाते हैं। आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से आई हूँ। हाँ। तो आपकी फैमिली ने देखा है आपको कभी कि आप यहाँ रहते हो, कैसे रहते हो? हाँ देखे तो है, पर क्या करे, सबका फैमिली तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो फैमिली के दौरान चले जाती हूँ। MCD है, पानी भरा रहता है, सारी चीज होती है, कभी आप इसकी शिकायत करते हैं कभी ड्रेनेज की? और इस सर मैंने अभी भी, मेरी ड्रेनेज जो है मेरी अभी भी पेंडिंग है, बाहर का जो सीवर है उसकी ड्रेनेज मेरी अभी भी पेंडिंग है, उसके अंदर वो ठीक करके जाते हैं और डंडे से साफ करते हैं, कोई मशीन, कोई बस वाली मशीन कोई नहीं आती, बाकी दिल्ली में तो आते हैं वो साफ करने के लिए, बट हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता। मेरी अभी भी अगर आप चेक करोगे, मेरी भी अभी भी मेरी जो है कंप्लेंट है पेंडिंग है वहाँ पर, उन्होंने एक बार डंडे से साफ कर दिया, अच्छा जी हम दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं। एक बार हम बस यहाँ चल के देख लेते हैं। देखिए इसमें पानी भर गया था, ये बेसमेंट में PG है। अब मैं जब यहाँ आया तो बदबू आ रही है यहाँ, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पानी है बारिश का वो यहाँ भर गया, तो पानी भरने के बाद क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये छोटा सा PG है, एक इसमें बिस्तर है, और आपको यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकता क्योंकि सांस नहीं आ रहा है। ये इतना, ये 15,000 का है। एक आपको मैं एक 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 अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ से दिखा देता हूँ, देखिए वो देखिए सामने, वो देखिए जो ओनर धमकी देते हैं यहाँ पे बच्चों को कि खाली कर दो नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और पुलिस कोई कंप्लेन। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जिन बच्चों ने हिम्मत करके हमें अपना PG दिखाया है, और आप देखिएगा मैं आपको खबर भी बताऊंगा, उनसे आप देख लीजिएगा शाम तक उनकी PG खाली करवा ली जाएगी, नोटिस आ जाएगा उनका। और ये पर मैं आपको ये बता रहा हूँ आप ये होने मत दीजिएगा, ठीक है? और आप, मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा, आप मुझे बताइएगा, ये हम होने नहीं देंगे। कि हम लोग तो मीडिएटर हैं, हम ना हमारे मकान है यहाँ पर, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है, बच्चे आते हैं बच्चों की हम सेवा करते हैं, और ये सेवा सेवा शब्द आपने गलत इस्तेमाल कर लिया सर। ऐसा है मैं 300 रुपए का एग्रीमेंट, 300 रुपए पुलिस को जाते हैं, इनका नेक्सस है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, बेसमेंट यहाँ इलीगल है, लेकिन बोर्ड के ऊपर अगर आप देखें वहाँ देखिए लिखा है शॉप्स ऑफिसेज बेसमेंट हाउसेज, यानी बेसमेंट यहाँ पर खुलेआम आप उसमें लाइब्रेरी खोलिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, PG खोलिए, कुछ भी आप कीजिए, आपको पुलिस को पैसा खिलाना है, MCD वाले को पैसा खिलाना है, और आप दबा के अच्छी तरीके से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। सर, ओनर्स यहाँ पे विदाउट ब्रोकरेज देते ही नहीं है, अगर खुद भी उनको अप्रोच करे तो ये नेक्सस पूरा नहीं देते। जो पार्षद है आरती चावला, उनके पति यहाँ के सबसे बड़े ब्रोकर हैं, और उनकी सह पे जो यहाँ के मकान मालिक और ब्रोकर हैं, वो सारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। ₹50 की मैगी है, आप लेंगे?
खाएंगे 50 रुपए की मैगी। ये देखिए फ्यूचर आईएएस आईपीएस का, ये हमारे देश के जो भविष्य है कि आईएएस आईपीएस आईएफएस बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी बनेंगे, देखिए उनके 50 रुपए की मैगी है, कई घंटे पुरानी होगी, हो सकता है एक दो दिन भी हो चुके हो। एक दो दिन पैक करके रखते हैं, देखो पैक करके रखते हैं, और भी बहुत है ये पैक करके रखा ना ये। हाँ ये इस तरह पैक करके एक समय रखते हैं, ये पैकिंग है। 50 रुपए की मैगी है। और देखिए ये देख लीजिए आप, ये युवा हैं, देश के झूठ नहीं बोलते, सारे लोग हैं, देखिए सब हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तो दोस्त ये बताओ कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ जाओगे? इन सबको इनकी आवाज सुनाओ आप। 20 रुपए इसको पुलिस को ये पैसे देते हैं, और जो भी चीज इनके यहाँ से लीजिए, अगर आप 10 का मैगी ले रहे हैं 50 का देंगे। हाँ, वो ऊपर वाला कमीशन ये बोलेंगे कि दस की मैगी 50 की देंगे, पुलिस वालों को जाता है। ये 10 की बोतल है, ये 20 की देंगे, और जो भी चीज आप ले रहे हैं ठीक है, खाने पीने रात होते एक्स्ट्रा रेट लगने लगा 2.5। हमको पुलिस को डबल देना पड़ता है। तो भाई पुलिस वाले भी सुन ले, यहाँ के ओल्ड राजेंद्र नगर जिस भी पुलिस थाने में आता है वो भी सुन ले, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर्स डीसीपी स्पेशल कमिश्नर्स एसएचओ सब सुन ले। सर पानी का जैसे रात हुई 10 से 15 रुपए, 15 से 20, चाय का अगर जो चाय 5 रुपए की है उसके 15 रुपए, ट्रिपल ट्रिपल 4 टाइम डिमांड सप्लाई है यहाँ पे। सुन रहे हैं सर, हम लोगों को स्टूडेंट नहीं कंज्यूमर कंसीडर किया। हाँ बता दीजिए, हम लोगों को स्टूडेंट नहीं एस्पिरेंट नहीं एज ए कंज्यूमर ट्रीट किया जाता है। ये क्या चाहते हैं, और ये आज पूरे देश को बताएंगे कि ये जो हब है कोचिंग सेंटर्स का, यहाँ कोचिंग होती है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी बनकर निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनकर निकलते हैं, यहाँ का जीवन क्या है, और ये जो हुआ अभी ये क्यों हुआ, और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? सर पहली चीज कि हम जस्टिस चाहते हैं, जो भी हमारे तीन दो बहनें और एक भाई चला गया है, तो हम उनके लिए पहले बार जस्टिस चाहते हैं। सर अभी हमारा डेलीगेशन 5 से 10 लोगों का, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आए थे यहाँ पे, हमने अपनी सारी डिमांडें स्पष्ट रूप से रखी, उनके पीएस ने हमारा कांटेक्ट लिया और ये बोला कि परसों एक मीटिंग रखेंगे जिसमें इनके ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी। तो मेरा आपके माध्यम से केवल और केवल एक चीज कहना है कि अगर वहां पे उनकी मीटिंगें हो रही हैं तो वी एज अ स्टेक होल्डर, हमारा रिप्रेजेंटेशन उस मीटिंग में होना चाहिए और वो जरूर होना चाहिए। प्लीज आप अपने तरफ से हमारी बात रखिए। ये हम आपके साथ हैं, और हमारे देश का जो यूथ है, युवा है, अगर वो परेशान हो रहा है तो फिर तो देश का कोई भविष्य ही नहीं है।